तो गाइस आप सभी के लिए एक कमाल का सरप्राइज है। गाइस गेस करो आखिर वो क्या हो सकता है। अरे गाइस मैं सीधा ही बता देता हूँ, मैंने एक नया चैनल बनाया है और अगर तुम सभी सोच रहे हो कि उस चैनल पे एनिमे से रिलेटेड कोई कंटेंट आएगा तो ऐसा नहीं है। उस चैनल पे मैं गेमिंग की वीडियोस अपलोड करूँगा, मतलब वो मेरा गेमिंग चैनल होगा। तो प्लीज गाइस उसे भी जाके आप सभी अपना प्यार देना। और हाँ, मैंने उस पे एक वीडियो अपलोड कर दी है और वो वीडियो माइनक्राफ्ट की है। और गाइस यही था मेरा सपना, एक सक्सेसफुल गेमर बनना, पर वो सपना पूरा नहीं हो पाया, पर अब वो सपना जरूर पूरा होगा आप सभी के प्यार की वजह से। और गाइस अब बात की जाए कि आखिर गोडली टाइम चेंबर के पार्ट क्यों नहीं आ रहे थे, तो गाइस आप सभी को तो पता ही है कि मेरे गोडली टाइम चेंबर वाले पार्ट्स वायरल होते हैं। तो इसी वजह से मैंने सोचा था कि क्यों ना मैं अपने नए चैनल का नाम अपने गोडली टाइम चेंबर वाली सीरीज में ही दूं। तो इसी वजह से मैंने इसकी स्टोरी लिखना बंद कर दी। खैर गाइस अब आप सभी को इसी सीरीज के पार्ट्स मिलेंगे जब तक ये सीरीज खत्म नहीं हो जाती। और गाइस अब अगली वीडियो मेरे गेमिंग चैनल पे आएगी माइनक्राफ्ट की ही, तो उस वीडियो को आराम से एंजॉय करना। पहले इस वीडियो को तो एंजॉय कर लो जिसका तुम सभी ने काफी देर से इंतजार किया था और मैंने कब अपलोड की, बाबा आदम के जमाने में। तो गाइस अपने साथ कुछ खाने के लिए चीजें रख लो क्योंकि ये पार्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आओ यार अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। तभी हमें दिखाया जाता है वही अनजान शख्स जो कह रहा होता है, तो ये रही वो टाइमलाइन जिसमें उस बेवकूफ सयन को वो उठा के ले आए हैं। और तभी अचानक से ही उस अनजान शख्स को कुछ सेंस हो जाता है और वो फिर कहता है, तो इस टाइमलाइन में भी मैं जिंदा नहीं हूँ, आखिर मेरे सारे वेरियंट्स अलग अलग टाइमलाइन में क्यों मारे जाते हैं, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। पर उस बेवकूफ सयन के पास जो ताकत है, उस ताकत की वजह से वो इवल गॉड्स और एंजल्स उस सयन की ताकत का काफी ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। मुझे जल्दी से जल्दी जाके उनसे उस ब्रोली को लाना होगा, नहीं तो अगर उसने अपनी सारी की सारी ताकत को अनलीश कर दिया तो मैं नहीं जानता कि अब इस टाइमलाइन का फिर क्या होगा, क्योंकि उस ब्रोली से मैं पहले लड़ चुका हूँ। आधा लेजेंडरी और आधा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ताकत को अपने अंदर रखने वाला वो पहला सयन है जिसने अपनी पावर्स को डिवाइड करके रखा हुआ है, और इसी वजह से तो मैं उसके पास गया था उस वांपा प्लेनेट पे, उसे वहाँ उस नर्क से निकाल के एक नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाने के लिए। पर जब मैं वहाँ पे गया तो जो मैंने देखा कि उसके प्लेनेट के ऊपर उसके सभी सयन साथियों को किसी ने मार दिया हुआ था। और फिर हमें दिखाया जाता है वही इवल गॉड्स और एंजल्स का प्लेनेट जहाँ पे वो इवल कैनो फ्रीजा को काफी ज्यादा स्पीशियस लुक से देख रहा होता है। और तभी अचानक से ही वो इवल कैनो फ्रीजा के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है, और जैसे ही फ्रीजा को ये चीज पता चलती है तो वो काफी ज्यादा घबरा गया होता है, पर वो अपने फेस के एक्सप्रेशंस को नहीं बदलता। और तभी कैनो फ्रीजा से कहता है, हे फ्रीजा, जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे जैसा शख्स इतनी जल्दी किसी की बातों में नहीं आने वाला, और तुम कह रहे हो कि तुम्हें उस बेवकूफों ने बंद किया, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो फू तुम्हें बंद कर पाएगा, क्योंकि फ्रीजा तुम्हारे जैसे शख्स को अपनी बातों में फंसाना ही काफी ज्यादा मुश्किल है। और गाइस फ्रीजा उस कैनो की ये सारी बातों को सुन के काफी ज्यादा घबरा गया होता है, और वो फिर अपने मन में कहता है, आखिर ये पिद्दी नाटा मुझसे कहना क्या चाहता है। और तभी अचानक से ही वो इवल कैनो फ्रीजा के बिल्कुल सामने आ जाता है और वो फिर फ्रीजा से कहता है, हे फ्रीजा, अगर हम सभी मान भी लें कि उस फूल ने तुम्हें यहाँ पे किसी जगह पे बंद कर दिया था, तो हम सभी को तुम्हारी एनर्जी सेंस क्यों नहीं हुई, क्योंकि मैं वो सेंस कर सकता हूँ जो तुम्हारे पास वो डिमोनिक शक्तियाँ हैं।
और फ्रीजा इस इवल कैनो की ये सारी बातों को सुन के काफी ज्यादा डर रहा होता है और वो अपने अंदर ही अंदर कह रहा होता है, क्या ये पिद्दी तो काफी ज्यादा ही तेज है, मुझे इस पिद्दी नाटे से बच के रहना होगा। और वो जेनोसामा का इवल जुड़वा भाई फ्रीजा से बार बार बस यही कह रहा होता है कि आखिर तुम यहाँ पे करने के आए हो फ्रीजा, आखिर तुम यहाँ पे करने के आए हो फ्रीजा। और फ्रीजा उस कैनो की ये सारी बातों को सुन के काफी ज्यादा इरिटेट हो गया होता है और वो फिर अपने मन में कहता है, अरे साले बेवकूफ सैयन, सिर्फ तेरी वजह से मैं यहाँ पे फंस गया, अरे यार इस नाटे ने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ही वो इवल कैनो फिर से फ्रीजा के पीछे आ जाता है और वो फिर कहता है, मुझे जहाँ तक पता है तुम्हारा एक भाई भी है ना, वो तुमसे काफी ज्यादा ताकतवर है और तुम्हारे काफी ज्यादा दुश्मन भी हैं फ्रीजा, जैसे कि वो दो सैयंस गोकू और वेजिटा। क्या तुम उन दोनों से बदला नहीं लेना चाहते प्यारे फ्रीजा? अगर तुम उन दोनों से अपना बदला लेना चाहते हो तो मैं तुम्हारी काफी ज्यादा मदद कर सकता हूँ, बस मुझे ये बता दो कि आखिर तुम यहाँ पे करने के आए हो। और तभी अचानक से ही वो इवल कैनो अपनी चुटकी बजाता है और वो अपने किसी एक टेक्निक में फ्रीजा को फंसा देता है और फ्रीजा एक मिरर सी डायमेंशन में जाके फंस गया होता है और उसे वहाँ पे अपने अलग अलग वेरिएंट्स नजर आ रहे होते हैं और उसे वहाँ पे गोकू और वेजिटा के भी अलग अलग वेरिएंट्स नजर आते हैं और ये सब उस इवल कैनो की टेक्निक की वजह से ही हो रहा होता है। और वो सारे गोकू और वेजिटा के वेरिएंट्स फ्रीजा से ये कह रहे होते हैं कि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो फ्रीजा, और यही बात फ्रीजा को उसके वेरिएंट्स भी कह रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से ही वो सभी वेरिएंट्स, मेरा मतलब गोकू वेजिटा और फ्रीजा के, वो वेरिएंट्स अपने चेहरे को अचानक से ही बदल लेते हैं और उन सभी का चेहरा बिल्कुल कैनो की तरह हो जाता है और वो फिर फ्रीजा से कहने लगते हैं, फ्रीजा एक नंबर का डरपोक सैयन से हारने वाला आखिर यहाँ पे करने क्या आया है, आखिर वो करना क्या चाहता है, आखिर वो किसकी बात मान रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है बाहर, और बाहर फ्रीजा बिल्कुल स्टिल खड़ा होता है और ये सब बस फ्रीजा के दिमाग में चल रहा होता है और कैनो लगातार फ्रीजा पे अपनी टेक्निक का यूज कर रहा होता है और पीछे खड़े इवल गॉड्स और एंजल्स भी कैनो और फ्रीजा के इस खेल को देख रहे होते हैं और वो अपने मन में कहना शुरू हो जाते हैं कि कैनो तो काफी ज्यादा खतरनाक है, इससे बच के ही रहना होगा। और तभी अचानक से ही पीछे से अकुमो और लूसी भी आ जाते हैं और वो फिर कैनो से कहते हैं, हे कैनो, आखिर तुम करना क्या चाहते हो, ये फ्रीजा हमारे काफी ज्यादा काम का बंदा है, इस फ्रीजा ने हमें अभी तक धोखा नहीं दिया जैसा कि वो बेवकूफ फू करके गया है, इसने हमारी काफी ज्यादा मदद की थी कैनो। और तभी कैनो कहता है, मुझे इस फ्रीजा पे विश्वास नहीं है कि ये यहाँ पे बंद था, क्योंकि मैंने इस फ्रीजा की एनर्जी को हमारे इस प्लेनेट से काफी ज्यादा दूर एक प्लेनेट पे सेंस किया था और इस वजह से मैं जानना चाहता हूँ कि अगर ये यहाँ पे सच में बंद था तो ये मेरी इस टेक्निक से आराम से बाहर आ जाए, और अगर ये यहाँ पे बंद नहीं था तो ये इस टेक्निक से कभी बाहर निकल ही नहीं पाएगा। और फिर हमें दिखाई जाती है प्लेनेट अर्थ, जहाँ पे सभी यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और उनके सभी वॉरियर्स प्लेनेट अर्थ पे पहुँच गए होते हैं और तभी अचानक से ही जिनके साथ आया हुआ वो सैयन गोकू को देख लेता है और वो जैसे ही गोकू को देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो फिर कहता है, पर आखिर इस सैयन का चेहरा बिल्कुल फादर की तरह क्यों लग रहा है। और तभी अचानक से ही जिनका वो सैयन गोकू के पास आ जाता है और वो फिर गोकू से कहता है, हे सैयन, क्या तुम मुझसे लड़ना पसंद करोगे, मैं तुम्हारी इस ताकत को देखना चाहता हूँ। और गाइस आप सभी को तो पता ही है कि गोकू ने क्या किया होगा और गोकू इस शानदार बात से मना नहीं करता और वो उससे लड़ने के लिए चला जाता है और गोकू उससे कहता है कि अपनी फुल पावर से आओ सैयन। और फिर हमें दिखाई जाती है जिनके उस सैयन की एक
ट्रांसफॉर्मेशन जिसे वो कह रहा होता है सुपर सयन एंजल। और तभी गोकू उस सयन से कहता है, हे दोस्त तुमने तो अभी ट्रांसफॉर्म ही नहीं किया, आखिर तुम मुझसे कहना क्या चाहते हो। और तभी वो सयन कहता है, मुझे अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं अपनी बेस फॉर्म में ही अपनी पूरी की पूरी ताकत को इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये पता नहीं कैसे मैं बचपन से ही अपनी ताकत को बाहर नहीं निकाल पाया और ना ही कभी मैं ट्रांसफॉर्म हुआ, पर मेरी फुल पावर मेरी बेस फॉर्म में ही आ जाती है। और ये बात सुन के वहाँ खड़े सभी सयन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि आखिर ये सयन क्या क्या रहा है कि इसकी पावर इसकी बेस फॉर्म में ही आती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सयन अपनी फुल पावर से गोकू पे हमला बोलना शुरू हो जाता है, पर गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट में उस सयन को हरा देता है। और गाइस ध्यान देना, मैंने सर्फिम नहीं कहा, अल्ट्रा इंस्टेंट कहा। और ये चीज देख के वो सयन भी काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और वो फिर कहता है, तुम सच में बिल्कुल फादर की तरह ही लड़ते हो, पर मेरे फादर के गाल के ऊपर एक निशान था। तुम चाहे उनकी तरह दिखते हो लड़ते हो, पर तुम मेरे फादर बिल्कुल भी नहीं हो सकते। और तभी वेजिटा उस अनजान सयन के पास जाके उससे कहता है, हे सयन, आखिर तुम्हारे पिता का नाम क्या था। और जैसे ही वो सयन अपने फादर का नाम बताता है तो लिटरली वहाँ खड़ा गोकू वेजिटा ग्रेनोला काफी ज्यादा यहाँ तक के वीस भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और ऑब्वियसली उसने बार्डो का ही नाम लिया है। और वो सयन फिर कहता है कि मेरा नाम है अमोन कुन। और फिर हमें दिखाई जाती है उस सयन की बैक स्टोरी। वैसे गाइस मैं काफी ज्यादा बार बैक स्टोरी बता चुका हूँ, पर मैंने कभी कहा नहीं कि ये बैक स्टोरी है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, हाँ उस सयन की बैक स्टोरी कि आखिर वो गोकू का भाई हो और बार्डो का बेटा कैसे है। और फिर हमें दिखाया जाता है प्लेनेट वेजिटा, और ये बैक स्टोरी है, अच्छा ध्यान देना, जब फ्रीजा प्लेनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है और बार्डो फ्रीजा को हराने के लिए आया होता है, पर वो ऐसा कर नहीं पाता। और जब फ्रीजा बार्डोक पे अपना अटैक शूट करता है तो वो अटैक बार्डोक को किसी अलग ही डायमेंशन में ले जाता है, मेरा मतलब यूनिवर्स 12 में। और वहाँ पे जैसे ही बार्डोक जाता है तो उसे वहाँ पे एक एंजल मिलती है जो बार्डोक को ऐसी हालत में देख के काफी ज्यादा निराश हो जाती है और वो उसे फिर अपने घर पे ले जाती है और वो बार्डोक को फिर हील कर देती है। और ये बार्डोक दूसरी टाइमलाइन का होता है जो गोकू और वेजिटा की टाइमलाइन में आ गया है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो वाला बार्डोग हील होता है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है कि मैं उस गंदे फ्रीजा को छोड़ूंगा नहीं। और जैसे ही बार्डोग उस एंजल को देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और वो फिर उस एंजल से कहता है कि आखिर तुम हो कौन और मैं हूँ कहाँ। और जैसे ही वो एंजल बार्डोग को बताती है कि तुम यूनिवर्स 12 में हो तो बार्डोग उसकी ये बात सुन के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और तभी बार्डोग उस एंजल से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे हील करने के लिए, पर इस बार्डोग के साथ काफी ज्यादा गलत होता है क्योंकि ये वाला बार्डोग टाइम ट्रेवल करके समय में पीछे आया होता है। इस वजह से इस वाले बार्डोग के हार्ट में हार्ट वायरस हो जाता है और ये चीज बार्डोग को भी पता चल जाती है क्योंकि बार्डोग एक प्योर सयन है। और वो फिर उस एंजल से कहता है, हे तुम ही हो जिसने मुझे हील किया, पर मेरे हार्ट में अभी भी कुछ प्रॉब्लम है। और तभी वो एंजल कहती है कि इस चीज को तो मैं अब ठीक नहीं कर सकती। और तभी बार्डोग उस एंजल से पूछता है कि मेरे पास अब कितना समय बचा हुआ है। और तभी वो एंजल बताती है कि तुम्हारे पास लगभग एक साल का समय बचा हुआ है। और तभी बार्डोग उस एंजल से कहता है कि मुझे पता है तुम एक एंजल हो, क्या तुम मुझे ट्रेन कर सकती हो। और वो एंजल बार्डोग की ये बात सुन के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो फिर बार्डोग से कहती है, क्यों नहीं मैं तुम्हें ट्रेन करूंगी। और तभी बार्डोग और वो एंजल ट्रेनिंग करना शुरू हो जाते हैं और बार्डोग ने उस एंजल के साथ कम से कम 3-4 महीने की तो ट्रेनिंग की ही होती है। और इन 3-4 महीनों में उस एंजल को बार्डोग से प्यार हो जाता है, पर वो एंजल बार्डोग को ये चीज नहीं बताती। और तभी बार्डोग उससे कहता है कि इतनी पावर काफी है उस गंदे फ्रीजा को हराने के लिए। और तभी बार्डोग उस एंजल से कहता है, क्या तुम मुझे मेरी उसी टाइमलाइन में वापिस भेज सकती हो जहाँ से मैं आया था। और तभी वो एंजल ये कर देती है, पर वो ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, पर फिर भी वो ऐसा कर देती है। और
बारडॉग वहाँ से जाते जाते उस एंजल से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस एंजल के पास अभी भी बारडॉग का वो डीएनए पड़ा होता है। और तभी वो एंजल कहती है कि अब तो बारडॉग भी यहाँ पे नहीं आने वाला। और तभी वो एंजल अपने डीएनए और बारडॉग के डीएनए से कुछ करती है और वो फिर अपनी किसी एक टेक्निक का यूज करती है और उसकी वजह से एक हाइब्रिड पैदा हो जाता है जिसे हम सभी अब जानते हैं अमून कुन के नाम से, जो अब गोकू और वेजिटा के साथ प्लेनेट अर्थ पे मजे कर रहा है। और ऐसा करने की वजह से उस एंजल की आधी लाइफ खत्म हो जाती है। और जैसे जैसे वो हाइब्रिड मेरा मतलब अमून कुन बड़ा हो रहा होता है तो उस एंजल की लाइफ स्पैन भी खत्म हो रही होती है। पर उस एंजल ने बारडॉग की वो सारी फाइटिंग स्टाइल अमून को दिखा दी होती है जो उस एंजल ने बारडॉग को ट्रेनिंग देते दौरान देखी थी। और दूसरी ओर बारडॉग भी हार्ट वायरस की वजह से मर जाता है और वो एंजल भी मर गई होती है। और गाइस इसी वजह से ही तो मैंने कहा था कि इस बारडॉग के साथ काफी ज्यादा बुरा हुआ। एंड दैट्स इट, यही थी बैक स्टोरी। और फिर हमें दिखाया जाता है फिर से वही इवल गॉड्स और एंजल्स का प्लेनेट जहाँ पे वो इवल कैनो अभी भी फ्रीजा के माइंड के साथ खेल रहा होता है। और वो कैनो ये जानना चाह रहा होता है कि आखिर वो फ्रीजा यहाँ पे करने के आया है। और फ्रीजा अपने माइंड में उस जगह को सोचना शुरू हो जाता है जिसमें उसे गोकू ने बंद कर दिया था उसको मार कर उस भद्दे हेल में जहाँ पे वो फेरी टेल्स को देख रहा होता है। और फ्रीजा के ऐसा करने की वजह से उसकी व्हील पावर बढ़ गई होती है और वो उस कैनो की टेक्निक से बाहर आ जाता है। और कैनो भी ये चीज देख के काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और वो फिर कहता है, ये फ्रीजा तो सच्चा निकला, इसने मेरी उस टेक्निक को तोड़ दिया जिसमें कई हजार सालों तक मैंने कितने ज्यादा ही लोगों को फंसाए रखा था, यहाँ तक के ग्रैंड प्रिस्ट और जेनो को भी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि फ्रीजा जैसे ही कैनो के माइंड से बाहर आता है तो वो अपने मन में कहता है, इस बेवकूफ कैनो को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बस अब जल्द से जल्द वो जंग शुरू हो जाए। इस बेवकूफ कैनो को तो उस जंग में मैं सबसे पहले ही मारूंगा। हो, 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 हो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ही ब्रोली और राइकोन भी उठ जाते हैं और वो दोनों उठते ही फिर से अपना फाइटिंग पोज लेने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से ही उनके पास वो पिद्दी कैनो आ जाता है और वो उन दोनों को अपने माइंड कंट्रोल वाली टेक्निक में फंसाने की कोशिश करता है। और पता है क्या हुआ, वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है और उसने उन दोनों को अपने माइंड कंट्रोल में कर लिया होता है। लेकिन तभी ब्रोली अपनी पावर अप करना फिर से शुरू हो जाता है और ये चीज देख के वो कैनो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और फ्रीजा तो ये चीज देख के काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि कोई उस पिद्दी को उसकी ही टक्कर का मिल गया। और तभी ब्रोली अपनी पावर अप करते करते ही कहता है, गॉड ब्रोली को कोई भी अपने वश में नहीं कर सकता। देखा था ब्रोली की शक्ति का कमाल। और फिर हमें दिखाया जाता है वही अनजान शख्स जिसको आप सभी ने शुरू में देखा था जो ब्रोली की एनर्जी को सेंस कर लेता है और वो फिर कहता है, तो यहाँ पे हो तुम सयान। और फिर हमें दिखाए जाते हैं ग्रैंड प्रिस्ट और वो एंजल्स जो प्लेनेट अर्थ के ऊपर हैं। अचानक से ही उन सभी को किसी शख्स की एनर्जी सेंस होती है और वो सभी शॉक्ड होके कहते हैं, आखिर ये जिंदा कैसे है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू व जीटा ब्रोली हो और गोकू ब्लैक कहते हैं वहाँ खड़े उन सभी लोगों से, क्या हम सभी को कुछ खाने के लिए मिल सकता है, वैसे हम सभी को भूख तो नहीं लग रही, पर वो चीची की बनाई हुई चीजों को छोड़ता कौन है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ही गोकू कूलर के पास चला जाता है और वो उसके पास जाके उससे कहता है, हे कूलर, क्या तुम हम सभी के साथ खाना पसंद नहीं करोगे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कूलर फिर उठ जाता है और वो फिर गोकू से कहता है, क्यों नहीं मेरे सयन दोस्त। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कूलर वेजिटा हो और गोकू को काफी ज्यादा गौर से देख रहा होता है और वो उन दोनों को कंबाइन करके अपने दिमाग में सोचता है कि ये दोनों तो बिल्कुल उसी की तरह लग रहे हैं और कूलर अल्ट्रा वेजिटो की बात कर रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है वही अनजान शख्स जो उन इवल गॉड्स और एंजल्स के प्लेनेट के बाहर खड़ा होता है और वो कहता है, तो आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, लेजेंडरी ब्रोली या गॉड ब्रोली।
और जैसे ही वो अनजान शख्स एनिमल गॉड्स और एंजल्स के प्लेनेट के अंदर पहुंचता है और वो जैसे ही ब्रोली को वहां से निकालने लगता है, लेकिन तभी अचानक से ही वहां पे लूसिफ, अकुमो और कैनो आ जाते हैं और वो उस अनजान शख्स को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हुए होते हैं और वो फिर उस अनजान शख्स से कहते हैं, तो आखिर देखो कौन आया, द ऑलमाइटी स्ट्रॉन्गेस्ट एंजल एंड फर्स्ट एंजल मरनो। तो जी हाँ गाइस, मेरी मांगा में मरनो की भी एंट्री हो चुकी है और तभी मरनो उन तीनों को देख के कहता है, हर टाइमलाइन, हर जगह, हर टाइमलाइन में घटिया, इवल और बेकार। तुम हर टाइमलाइन में बिल्कुल वैसे ही हो जैसे इस टाइमलाइन में हो, जैसे के अपने ही भाई को बंद कर देना हितामोरी बन के, और अपने ही भाई को फिर से बंद कर देना उसी के प्लेस पे और उसी की ही जगह लेके। तुम सच में काफी ज्यादा घटिया हो, अपने भाई को भी नहीं छोड़ा तुमने, और तुम्हारी क्या बात की जाए प्यारे अकुमो, तुम तो अपनी ही सयन जाति को खा गए हो उन सभी को मार कर। और रह गई बात जेनोसामा के जुड़वा भाई की, इस कैनो की, तो ये तुम दोनों से भी कई गुना ज्यादा घटिया है। और फिर हमें दिखाया जाता है जेनोसामा का पैलेस, जहाँ पे बार्डोग और जालामा अपना प्लान बना रहे होते हैं और वो कहते हैं, हम इस प्लान की वजह से अब उस जंग को जीत जाएंगे, बस किसी तरह इस प्लान को हमें मेरे बेटे कैकरोट और वेजिटा के दिमाग के अंदर भेजना होगा। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो मेरे हिसाब से हम उस जंग को अभी से ही जीत जाएंगे। और तभी हमें फिर से दिखाई जाती है प्लेनेट अर्थ, जहाँ पे वो सभी फाइटर्स आए होते हैं और वो सभी अपना खाना एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से ही ग्रैंड प्रिस्ट को किसी की आवाज आती है और वो आवाज ग्रैंड प्रिस्ट से कहती है, मैंने कुछ ताकतवर लोगों को तुम्हारी टाइमलाइन के लिए भेज दिया है प्रिस्ट, वो तुम्हारे तक कुछ दिनों तक पहुँच जाएंगे। और ग्रैंड प्रिस्ट उस आवाज का जवाब देते हुए कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर हमें दिखाई जाते हैं किंग वेजिटा और किंग सडाला, जो आपस में ही कुछ कह रहे होते हैं और वो कहते हैं, मेरा बेटा अब काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और तभी किंग सडाला कहते हैं, वो ब्रोली भी काफी ज्यादा ताकतवर है क्योंकि वो मेरी तरह की ही ताकतों का यूज कर रहा है। और फिर हमें दिखाई जाते हैं काबा केल और कोलिफ्ला, जो यामोशी ताइमा और कुंबर को देख के काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं, क्योंकि यामोशी ताइमा और कुंबर ने काबा केल और कोलिफ्ला के प्लेनेट के ऊपर जाके उनकी काफी ज्यादा खूब तरीके से कुटाई लगाई होती है। और तभी काबा सीधा ही यामोशी ताइमा और कुंबर के पास चला जाता है और वो उन सभी से जाके कहता है कि आप तीनों हमारे प्लेनेट पे आए थे और आप तीनों ने ही हमें काफी ज्यादा बुरे तरीके से मारा था, क्या ये चीज आपको याद है? और तभी यामोशी ताइमा और कुंबर कहते हैं कि हमें तो याद भी नहीं कि हम कभी तुम्हारे प्लेनेट पे आए भी थे, पर तुम्हें देख के ऐसा लगता है बच्चे कि हम पहले मिल चुके हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है वही इवल गॉड्स और एंजल्स का प्लेनेट, जहाँ पे उन्होंने मरनो को पकड़ लिया होता है और मरनो उन सभी से कह रहा होता है कि तुम सभी ने मुझे पकड़ के काफी ज्यादा बड़ी गलती कर दी और तुमने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है अकुमो, क्योंकि मुझे पकड़ना तुम्हें हजम नहीं होगा क्योंकि मेरा मास्टर यहाँ पे कुछ ही देर में आने वाला है। और फिर हमें दिखाए जाते हैं उस इवल कैनो के गार्ड्स, जो मरनो पे अपनी नजर टिकाए बैठे होते हैं। और तभी हमें फिर से दिखाई जाती है प्लेनेट अर्थ, जहाँ पे कूलर वेजिटा और गोकू को अल्ट्रा वेजिटो के बारे में बता रहा होता है और कूलर के मुँह से अल्ट्रा वेजिटो का नाम सुन के गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं, क्योंकि यार अल्ट्रा वेजिटा नहीं तो गोकू और वेजिटा को अल्ट्रा फॉर्म के बारे में बताया था। और फिर हमें दिखाया जाता है फ्रीजा, और फ्रीजा उनिवल गॉड्स और एंजल्स के प्लेनेट पे यहाँ वहाँ घूम रहा होता है। हाँ, कैनो ने उसे छोड़ दिया और वो वहाँ पे जाके कुछ देखता है और वो फिर कहता है, आखिर ये यहाँ पे कैसे आया, जब मैं यहाँ पे था तब तो ये यहाँ पे था ही नहीं, आखिर ये दोनों किसके लिए हैं? और फिर हमें दिखाया जाता है अकुमो और लूसिफ का एक और प्लान, जो उन दोनों ने कुछ देर पहले ही बनाया होता है और वो फिर कह रहे होते हैं, हमें उन दो सयंस की काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, हमें जल्दी से जल्दी उन दो सयंस को बुला लेना चाहिए। और तभी वो पिद्दी कैनो उन दोनों से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम उनके सबसे ज्यादा ईवल वर्जन को बुलाओ,
करो ताकि वो किसी पे रहम ना करें। इस तरह हम उन सभी से जीत जाएंगे और पूरे के पूरे इस कॉस्मोस को कॉन्करर करने में आसानी हो जाएगी और उन दो सायंस को हम आराम से मैनिपुलेट भी कर पाएंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा ईवल प्रेजेंस उतनी ज्यादा माइंड कंट्रोल की टेक्निक उन पे काम करेगी। और मुझे उन पांचों को भी तो जगाना है आप दोनों की ताकत की मदद से, और फिर मैं अपने भाई जैनो को आराम से ही मार दूंगा। तो गाइस बस आज की वीडियो में बस इतना ही, और गाइस मेरे नए चैनल को भी जाके आप सभी अपना प्यार देना। गाइस मेरे उस नए चैनल पे जोन सी वो गेमिंग वीडियो पड़ी हुई है, उस वीडियो को बनाने में मुझे काफी ज्यादा मेहनत लगी है, तो गाइस उस वीडियो को पूरा एक बार वॉच कर लेना ताकि वो वीडियो बाहर जा सके। और गाइस मेरे उस गेमिंग चैनल पे फ्यूचर में काफी ज्यादा तगड़ी वीडियो आने वाली है। मैं सिर्फ उस पे माइनक्राफ्ट ही नहीं खेलूंगा, मल्टीपल गेम्स खेलूंगा, और मैं अपने उस गेमिंग चैनल पे तुम सबकी प्यारी बीजीएमआई खेलूंगा। क्या मतलब मैं पबजी में नूब हूँ, अरे कौन कमेंट में लिख रहा है। और गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर भर भर के बताना कि आप सभी को ये वाला पार्ट कैसा लगा। और ये पार्ट इस चैनल का लॉन्गेस्ट पार्ट है, मैंने सोचा था आधे घंटे का बनाऊं, पर फिर मेरी बस हो गई क्योंकि भैया अभी से ही मेरा गला खराब हो चुका है। डबिंग में गाइस काफी ज्यादा मेहनत लगती है और स्टोरी लिखने में भी, और एडिटिंग, फिर म्यूजिक सेट करना, काफी सारी चीजें इसमें भी काफी ज्यादा मेहनत लगती है। और गाइस अगर आप सभी मेरी अब तक की वीडियो देख रहे हो तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और कमेंट सेक्शन में आरिसु लिख देना, और मेरे नए चैनल का नाम आप सभी को कैसा लगा, आरिसु लाइव। वैसे मैं आरिसु गेमर्स देना चाह रहा था पर आरिसु गेमर्स था। तो बस गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और इस वीडियो पे दबा के अपने प्यारे कमेंट्स भी जरूर से कर देना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।